कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको पछतावा होता है जिंदगी में कि हमने ये बुरा काम शुरू किया और उसके बाद हमारी जिंदगी कहाँ से थी और कहाँ पर हम पहुँच गए। नशा करते हुए कितना? नशा करते हुए मुझे 3 साल हो गए हैं। 3 साल से यहीं पर है? हाँ जी, लाहौर से। घर वालों की याद नहीं आती? क्यों नहीं आती? हाँ, सुबह से लेके दिन में तकरीबन 240 बार याद करता हूँ, 2500 दफा, पर वैसे नहीं, काफी दफा। साल बाद मिलने जाते हैं तो फिर बच्चा पैदा करते हैं? कितनी दफा मिला? एक दफा, दो। तरस नहीं आता अपनी हालत पे? मुझे नहीं, दूसरों को आता तो वो मुझे देते हैं तो मैं अपना गुजारा कर लेता हूँ। खुद को क्यों तरस नहीं आता? कितने बहन भाई? मेरे 7 हैं जी। ये जरूरी नहीं है, एफए इधर तो एमए भी हैं बाजी, वो यानी कि क्या नाम है, वो उन्होंने यानी कि रेडी लगाई हुई है, अमरूद बेचती हैं। तो आप भी अमरूद बेच लेते ना, जिंदगी तो तबाह। तो हाँ, जो मेरी वो रेडीज है ना, उनके नंबर जो उनसे वो लाट भी किए हुए हैं भी हैं और नाम भी हैं और लिखी भी हुई है, पर वो मुझे मिलती नहीं है, पर मैं क्या करूँ। अस्सलाम वालेकुम, तदवीर मीडिया के साथ मैं हूँ आप लोगों की मेजबान इकरा लियाकत। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको पछतावा होता है ज़िंदगी में कि हमने ये बुरा काम शुरू किया और उसके बाद हमारी ज़िंदगी कहाँ से थी और कहाँ पर हम पहुँच गए। आज मेरे साथ भी इसी तरह एक भाई मौजूद हैं जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं कि मैं बड़ी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ भी रखता था, मेरी शादी भी हो गई, लेकिन नशे की लत ने जो है मुझे इस हाल पर पहुँचा दिया कि मेरे घर वालों ने निकाल दिया और आज ये दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। और मजबूर इसलिए हैं कि भाई हमें जब किसी उससे ग्रांट ही, किसी उससे अपॉर्चुनिटी का वो स्केल ही नहीं मिलता किसी भी चीज़ से, ना स्टडी से, ना स्कूल से, ना वो जेन से। हाँ, जब हमारा किसी ओहदे नाम ही नहीं लिखा जाएगा, हाँ, तो हम आगे से यानी कि किस ग्रोथ या किस नस्ल या किस उसको हम अपना नाम या शनाख्त दे के, हाँ, उसको हम यानी कि वो कंटिन्यू करेंगे, हाँ, या दोबारा रिप्ले ऑफ दी ग्रांट यानी कि वो अब मैं हूँ, अब मेरा यानी कि जब वो नाम ही ना इधर या ऊपर कहीं भी पेपर ऑफ शो हो तो मैं भी यानी कि ग्रांटेड करूँगा, ये मेरा सन ऑफ लॉ यानी कि हाँ वो 26 ईयर यानी कि 20 साल बाद, हाँ, ये 1 यानी कि लॉ होली कुरान पर यानी कि वो साइन अप यानी कि वो फुल कुरान करेगा जी, ये जज ऑफ दी हाँ मैनेज होगा जी। हाँ, मुझे ये बताओ कहाँ से ताल्लुक रखते हो? हाँ, मैं वैसे इधर से भी हूँ। किधर से हो? गांव से यानी कि वैसे पतों की है, पतों की। तालीम कितनी है? तालीम है एफए है। तालीम एफए की है। नशे पे कैसे? नशे पे रेगुलरली फिर भी नहीं कर रहा जी, वैसे यानी कि नशा इसलिए यानी कि अभी 2-6 माह पहले या साल पहले थोड़ा सा यानी कि दिमाग जो सा ना मेरा वो तेज़ काम करने लग गया, मैं तकरीबन ना सो गया था एक दफ़ा, इतना सोया कि मैं 24 घंटे तक सोया भी। नशा अच्छी चीज़ नहीं? नशा अच्छी चीज़ नहीं है जी, पर इसको हम अगर वो किसी भी बेस पे अगर इस्तेमाल करें ना तो उस हिसाब से जी, यहाँ पर क्या जी, वो इंसान को देखना जी, हाँ, उसका अगर वो नशे पे नशा कर रहा है पर उसकी यानी कि ड्यूटी, क्यों नशा कर? ड्यूटी है मेरी। क्या ड्यूटी करते हैं? ड्यूटी मैं पुलिस कवरेज में यानी कि एक दफ़ा यानी कि रजिस्टर हुआ था तो अब वो कवरेज जो उनसी है ना वो मेरी बाहर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी शादी हो? हाँ, शादी हुई है। कितने बच्चे हैं? दो। दो बच्चे हैं अभी? हाँ, वो पैदा होने वाला है। हाँ। अच्छा, ये बताओ भाई कि आपने एफए किया हुआ है, पुलिस की कवरेज आप करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि नशा करते हुए? नशा करते हुए मुझे 3 साल हो गए हैं। 3 साल से यहीं पर है? हाँ जी, लाहौर से। घर वालों की याद नहीं आती? क्यों नहीं आती? हाँ, सुबह से लेके दिन में तकरीबन 240 बार याद करता हूँ, 2500 दफ़ा, पर वैसे नहीं कि काफ़ी दफ़ा। तो बीवी माँ बाप के पास? हाँ जी, उधर ही होते हैं। तो फिर उससे कब मिलने के लिए? हाँ, कितने दिनों बाद मिलने? एक दफ़ा, दो दफ़ा। कितने दिनों बाद? साल बाद। साल बाद मिलने जाते हैं तो फिर बच्चा पैदा करते हैं? कितनी दफ़ा मिला आपका? एक दफ़ा, दो दफ़ा। वैसे पर क्या जी, वो हमारा इस उस पर टॉपिक नहीं है जी, हाँ, वो हमारी यानी कि ठीक है जी, हमने यानी कि किया है वो इस तरह का मसले ना। तो नशा कैसे पूरा? ये कुछ इस तरह कुछ यानी कि लोग मुझे नहीं ना वो फाइंड अप कर देते हैं जी, फाइंड अप दे देते हैं जी, हाँ, वो पैसे दे देते हैं जी, हाँ, ये थे मेरी हालत देख के जी, वो काइंड नेक्स्ट यानी कि हाँ, वो तरस नहीं आता अपनी हालत पे? मुझे नहीं, दूसरों को आता तो वो मुझे देते हैं तो मैं अपना गुजारा कर लेता हूँ। खुद को क्यों तरस नहीं आता? कितने बहन भाई? मेरे 7 हैं जी। 7 बहन भाई हैं? एफए तालीम है? एफए तो बढ़ गया? हाँ, नहीं, मुझे उसकी कॉपी मिली हुई है। क्या कॉपी मिली?
वो रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि वो क्या जी उसने मुझे ग्रांटेड किया हुआ ना। अच्छा एफए तो है तो कोई ये ज़रूरी नहीं है एफए, इधर तो एमए भी हैं बाजी, वो यानी कि क्या नाम है वो उन्होंने यानी कि रेडी लगाई हुई है, अमरूद बेचती हैं। तो आप भी अमरूद बेच लेते ना जिंदगी तो तबाह। तो हाँ जो मेरी वो रेडीज हैं ना उनके नंबर जो उनसे वो लाट भी किए हुए हैं भी हैं और नाम भी हैं और लिखी भी हुई हैं पर वो मुझे मिलती नहीं है, पर मैं क्या करूँ। मुझे ये बताएं नशा कौन देता है आप लोग? हाँ नशा इधर से अब वैसे नशा तो कोई भी नहीं देता, हाँ बस ये अगर कोई मिल गया तो फिर उससे इनके अगर वो भी इनके खुद उनके पास कौन सी ग्रांटेड है जी वो इनके बेचती हैं वो भी। आप तीन बच्चों के बाप हैं, तीन बच्चों के बाप हैं, तीसरा बच्चा पैदा होने वाला है। हाँ तो किस तरह उनके खर्चे कौन पूरे करते हैं? उनके खर्चे यानी कि वो मेरे एक भाई हैं जी, यहाँ वो काम करते हैं, वाली साहब काम करते हैं जी। घर वाले कुछ नहीं कहते कि तू पुत्र आ जाना महीने के बाद आके? यानी कि बस वो अपना गुजारा कर रहे हैं, मैं अकेला अपना कर रहा हूँ। तुम अपना गुजारा कर रहे तो फिर बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो? बच्चे आगे से वो बच्चे जो उनसे हैं वो कितने साल का बड़ा बच्चा? ढाई साल का। ढाई साल का बड़ा है, छोटा? डेढ़ साल हो गया, दो साल। मतलब ढाई साल का बड़ा है, डेढ़ साल का छोटा है, तीसरा बच्चा पैदा होने वाला है, तीन साल से तुम नशा कर रहे हो? हाँ तो नशा कर रहा हूँ। नशा करने से ताकत ज्यादा आ जाती है? नहीं नशे ताकत तो नहीं आती, पर क्या करें, क्या होता है बस वो कहते हैं ना आगे से ही नहीं क्या वो जोन सा ना। अच्छा पैगाम क्या दे दोगे लोग? पैगाम यही दूंगा कि मेरी यानी कि वो एक दो दिन में ना मुझे नाम और यानी कि वो जोन सा ना आगे से यानी कि कोई भी यानी कि वो इधर ना अपॉर्चुनिटी यानी कि कोई भी मुझे यानी कि वो सौंप दी जाए या लिख दी जाए, सौंपी ना भी जाए क्योंकि वैसे कहेंगे ये सौंपने का क्या बता रहा है क्या कह रहा है इसका। हाँ वो मेरा आईडी कार्ड, मेरा पासपोर्ट यानी कि वो गुम गया, हाँ वो मुझे यानी कि आप ये हाँ वो इंटरनेशनल उस पर प्ले करके या वैसे हाँ कि भाई मुझे यानी कि वो कार्ड। हालत देखें इन नशियों की, तीन साल में तीन बच्चे हो गए लेकिन काम शाम कुछ भी नहीं करते हैं, सारा दिन इधर उधर। अब बच्चे अपने भाई मेहनत करते हैं, जब बच्चों पर भी भाई मेहनत कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता आप इस बारे में क्या कहते हैं, मुझे दें इजाज़त अल्लाह ने के बाद।